राधे राधे श्री हरिवंश। दोस्तों, जब भी आप लोग वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ के बंदर कभी आपका चश्मा लेकर जाते हैं, कभी आपका पर्स चुरा कर ले जाते हैं, तो कभी वो आपका जूते चप्पल ही लेके भाग जाते हैं। तो आप अक्सर सोचते होंगे कि ये ऐसा करते क्यों हैं। आज हम आपको इस बारे में एक बहुत ही सुंदर भाव बताने जा रहे हैं कि आखिर वृंदावन के बंदर ऐसा करते क्यों हैं। देखिए, वृंदावन के जो बंदर हैं वो चार चीज़ों को लेकर ज़्यादा भागते हैं। एक पहला है आपके जूते चप्पल, दूसरा है आपका चश्मा, तीसरा है आपका मोबाइल और चौथा है आपका पर्स। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम इसको एक अलग भाव से देखें तो आप समझ जाएंगे और आगे से आप ध्यान रखेंगे कि वो आपका कि वो आपकी इन सारी चीज़ों को लेकर ना भागें। तो पहला आता है कि वो आपका चप्पल जूता लेकर क्यों भागते हैं। देखिए, वृंदावन जब भी आप जाते हैं तो वृंदावन किसकी नगरी है, वो हमारे श्री कृष्ण और हमारी राधा रानी की नगरी है, जहाँ पर हमारे श्याम और श्री राधा रानी ने नंगे पैर विचरण किया है। अगर आप वहाँ जाएंगे और जूते चप्पल पहन के विचरण करेंगे तो फिर आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए वहाँ के बंदर आपके जूते चप्पल लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वृंदावन के तो कड़कड़ में हमारे श्यामा श्याम का रस विराजित है, और अगर आप वहाँ पे नंगे पैर विचरण करेंगे तो आपको कितना लाभ होगा। इसीलिए वहाँ के बंदर आपका जूता चप्पल लेकर भाग जाते हैं। दूसरा है कि वो आपका चश्मा लेकर भागते हैं। अब चश्मा लेकर क्यों भागते हैं, देखिए वृंदावन के अगर दर्शन करने हैं तो वो तो आंतरिक दर्शन करने होते हैं ना। अगर आप बाहरी आंखों से, बाहरी नेत्रों से वहाँ पे दर्शन करेंगे तो आपको चारों तरफ कहीं गंदगी दिखाई देगी, कहीं अपशिष्ट, कहीं गोबर, ये सब चीज़ें दिखाई देगी, तो आपको क्या है ना, आप घृणा करोगे, फिर ये सब चीज़ें ना अपराध बन जाएगी। तो वृंदावन के बंदर आपका चश्मा इसलिए लेकर भागते हैं ताकि आप वहाँ के दर्शन जो है वो आंतरिक नेत्रों से कर सकें, यमुना रस रानी के दर्शन कर सकें। इसीलिए वृंदावन के बंदर आपका चश्मा लेकर भाग जाते हैं। अब तीसरा ये है कि आपका मोबाइल लेकर भाग जाते हैं। अब मोबाइल लेकर क्यों जाते हैं, देखिए वृंदावन आने के लिए क्या है ना, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, और आपको ये सौभाग्य मिला है कि आप वृंदावन में जाएं, वहाँ के दर्शन करें, तो वहाँ पहुंचकर भी आप तन से तो वृंदावन में हैं और मन आपका मोबाइल में लगा हुआ है, तो फिर आपके वृंदावन जाने का क्या लाभ हुआ। इसीलिए वृंदावन में पहुंचकर आपका बाहरी जगत से कोई संपर्क ना रहे, इसी वजह से वृंदावन के बंदर आपका मोबाइल लेकर भाग जाते हैं। अब चौथी चीज़ जो वृंदावन के बंदर लेकर जाते हैं वो है आपका पर्स। देखिए, अगर वृंदावन में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर रहकर भजन करना ही पर्याप्त है, वहाँ पर आपको अपने साथ माया लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो बस झोली माला ही पर्याप्त है। इसलिए जब भी वृंदावन जाएं तो वहाँ पर इस वैभव को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है झोली माला लीजिए, जितने दिन भी वृंदावन में रहिए वहाँ पर भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान का नाम जप करिए, नंगे पैर विचरण करिए, जिससे कि वहाँ की रज आपके पैरों में लगेगी, जिससे कि वो रज जिसमें हमारे श्री कृष्ण, हमारी राधा रानी ने रास रचाया है, हमारे श्री कृष्ण लाल जू ने अपना बचपन बिताया है, वो रज आपके चरणों में लगेगी और आपको कितना सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए आगे से आप जब भी वृंदावन जाइएगा तो ये चार चीज़ें रूम पर ही छोड़कर जाइएगा। पहला क्या है, जूते चप्पल, दूसरा है आपका मोबाइल, तीसरा है आपका चश्मा, या फिर आप चश्मा ले जा सकते हैं क्योंकि किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है, बगैर चश्मे के नहीं दिखता है, लेकिन तो आप थोड़ा सावधानी से जाइए। और चौथा है आपका पर्स। राधे राधे श्री हरिवंश।